टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फेडरलिज्म. तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फेडरलिज्म? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी एंड फेडरल. आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए. इन यूनिटरी वन सेट ऑफ आप कह सकते हो लॉज, वेयर एज इन फेडरल टू. सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी, ड्यूअल सिटीजनशिप फेडरल एंड टू और मोर लेवल्स इन फेडरल, सिंगल लेवल यूनिटरी. तो नेक्स्ट, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. तो आपको यूनिटरी एंड फेडरल के बारे में पता होना चाहिए. यूनिटरी के लिए आप बताओगे जैसे यूके, श्रीलंका, ये यूनिटरी है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे. वेयर एज इंडिया, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड इन फेडरल कंट्रीज. Yesterday you have read the chapter power sharing. Powers are shared by central government with state government. So federal countries mein powers are shared. Belgium became federal country. Yesterday you have read in 1993. Earlier it was unitary and in 1993 it became federal. There are two roots of federation, coming together and holding together. अगर हम इंडिया की फीचर्स को पढ़ते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ फीचर्स मैच करते हुए दिखते हैं यूनिटरी से. बिकॉज इन यूनिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड इन फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट पावरफुल. बट जब हम इंडिया पढ़ते हैं, इंडिया को हम फेडरल कहते हैं, तो इंडिया में तो सेंटर इज पावरफुल. तो इंडिया का ये फीचर किससे मैच हो रहा है? यूनिटरी. तो इंडिया के कुछ फीचर्स यूनिटरी से मैच होते हैं, बट फिर भी हम कहते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज देयर आर टू रूट्स ऑफ फेडरेशन. तो विच आर द टू रूट्स ऑफ फेडरेशन? कमिंग टूगेदर एंड, ये दोनों पता होने चाहिए, कमिंग एंड कमिंग टूगेदर. And second is, which root do we have in India? Holding together. अब आपको countries दे के पूछा जा सकता है कि इस country में कैसा federation है. तो इसके लिए आपने coming together के लिए आपने word learn करना है USA. USA तो है ही है, और इधर आपने SBI word learn करना है. अब इससे आपकी countries बन जाएंगी. USA तो है ही है, Switzerland, Australia. USA तो है ही है, स्विट्जरलैंड एंड दीज आर गिवन इन द बुक. तो इन्हीं में से पूछेंगे. आपको ऐसे देखे पूछ सकते हैं, स्विट्जरलैंड हैज कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो इस वे से अगर आपको कंट्रीज ही नहीं पता होंगी तो हाउ कैन यू राइट? USA तो है ही है, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. SBI को आप बना सकते हो स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. स्पेन, बेल्जियम, इंडिया. तो इन कंट्रीज में कौन सी फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर कौन सी ऐसी फेडरेशन है इन विच पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? कौन सी ऐसी? कमिंग और होल्डिंग? होल्डिंग. इन होल्डिंग टुगेदर पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर हम कहेंगे कि जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर हैड वास्ट पावर्स. अब तो नहीं है ना, पहले थी. जम्मू एंड कश्मीर की वास्ट पावर्स थी. यहाँ पे हम कहेंगे पावर्स टू द स्टेट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट हियर हम कहेंगे पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी आप गलत कर रहे थे. होल्डिंग टुगेदर के लिए आप क्या बोलोगे? अगर ऊपर ऑप्शन देके पूछा हुआ इन दिस पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कौन सी फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. बेल्जियम हैज विच रूट ऑफ फेडरेशन? होल्डिंग. एंड स्विट्जरलैंड हैज विच रूट ऑफ फेडरेशन? तो इस वजह से अगर लर्न करोगे तो ये कंट्रीज गलत नहीं होंगी. यूनिटरी के लिए आपने लर्न करना बिकॉज दीज आर गिवन इन योर बुक.
यूके एंड श्रीलंका, यूके एंड श्रीलंका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूके एंड श्रीलंका। बाकी आपको कितनी सारी ये 6 कंट्रीज हैं, ये सारी फेडरल हैं, सारी की सारी फेडरल है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, ये 6 की 6 कंट्रीज कौन सी हैं फेडरल। अगर मैं बोलूं यूनिटरी, दिस यूके हैज यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके में यूनिटरी है, देर इज सिंगल सिटीजनशिप, फेडरल और यूनिटरी। यूनिटरी पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, होल्डिंग और कमिंग, अब ये गलत नहीं करना, होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। अब इसी में आता है डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन सम ऑफ द पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन पहले तो आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में किया, अब यहाँ पे बताओ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, 33% या 1/3 सीट्स आर फिक्स फॉर वुमेन, कितनी सीट्स रिजर्व फिक्स हैं वुमेन की, 33%। तो डिसेंट्रलाइजेशन के आने से किसकी पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बढ़ गई, वुमेन, बिकॉज इन सेंटर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज ओनली 10%, वेयर एज इन स्टेट इट इज ओनली 5% एंड इन लोकल गवर्नमेंट इट इज 33%। अपने आप देखो कितना गैप है, सेंटर में सिर्फ 10% पार्टिसिपेशन है वुमेन की, स्टेट ने सिर्फ 5% दी हुई है एंड इन लोकल गवर्नमेंट दिस पार्टिसिपेशन इज 33%। तो दिस इज गिवन इन द बुक, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं है आपकी बुक में, मैंने एक्स्ट्रा बताया, तो ये तो नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, किसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज मोर, इन सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट 33% पार्टिसिपेशन, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन का ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, लोगों को, बिकॉज इससे लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट फंक्शनिंग में बढ़ गई। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन के ओर देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट इज ग्राम सभा, ग्राम सभा होती क्या है, पीपल ऑल द एडल्ट ऑफ द विलेज हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट, दे आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, पीपल ऑफ द विलेज हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव एंड हैव राइट टू वोट, दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, दे रिमेन मेंबर ऑफ ग्राम सभा टिल देयर डेथ, क्या उनका कोई टेन्योर होता है ग्राम सभा के मेंबर्स का, नो, वो टिल डेथ मेंबर रहते हैं, दे रिमेन द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा टिल देयर डेथ। अभी आ गया ग्राम सभा, पीपल ऑफ द विलेज हु आर एट द एज ऑफ 18 और अब आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, दे रिमेन मेंबर टिल देयर टिल डेथ, वो मेंबर रहते हैं ग्राम सभा, एंड ग्राम सभा ही इलेक्ट करती है विलेज पंचायत के मेंबर्स को, हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत, ग्राम सभा, विलेज पंचायत के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, पंचेस, मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत आर कॉल्ड पंचेस, हेड इज कॉल्ड सरपंच, हेड इज कॉल्ड, ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, इधर मैं बनाती हूँ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल में लोअस्ट लेवल पे विलेज पंचायत, सेंटर में ब्लॉक समिति, अपर जिला परिषद, इधर नगर पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज, इधर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी पूछा जा सकता है। इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इट वर्क्स एट मिडल लेवल, बताओ रूरल सेल्फ में ये मिडल लेवल पे काम करती है, दैट इज ब्लॉक समिति, तो इस वजह से आपको अपने आप आ जाएगा अगर आप ऐसे लर्न करोगे। इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इट वर्क्स एट हाईएस्ट लेवल, इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इट वर्क्स एट लोएस्ट लेवल, नगर पंचायत, इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इट वर्क्स एट मिडल लेवल, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज वी हैव क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या पाई जाती है, जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें क्या पाई जाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सबके मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं, मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत आर कॉल्ड पंचेस, मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत आर कॉल्ड इलेक्टेड बाय ग्राम सभा एंड हेड इज सरपंच, सरपंच इज इलेक्टेड अमंगस द मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत,
जो विलेज पंचायत के मेंबर्स बनते हैं उन्हीं में से फिर एक क्या बन जाता है, सरपंच। फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, टू कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ विलेज पंचायत। तो इसके बाद मिडिल लेवल पे ब्लॉक समिति, हेड इज कॉल्ड चेयरपर्सन, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स। सेम एज योर, हेड इज कॉल्ड चेयरपर्सन, मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड मेंबर्स। सेम, बस यहाँ पे आगे फर्क है, सब में सेम है, इधर फर्क है। हेड इज कॉल्ड मेयर, हेड इज कॉल्ड एम ए वाई ओ आर मेयर, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स। हेड इज कॉल्ड, मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसलर्स। तो इस वे से लर्न करना है ये डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पहले आपने क्या था पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में, अब आप इस वे से इनको अपने आप क्वेश्चन फॉर्म में बना दो। टेन्योर ऑफ, किसी का भी टेन्योर पूछा जाए 5 ईयर्स, किसी का भी टेन्योर पूछ ले आपको, आपने 5 ईयर्स लिखना है। ग्राम सभा का टेन्योर तो नहीं ना होता, मेंबर्स ग्राम, जो ग्राम सभा के मेंबर्स है दे रिमेन टिल देयर डेथ, और इनका टेन्योर किसी का भी आ जाए पेपर में, टेन्योर ऑफ ब्लॉक समिति 5 ईयर। और इनको पैसा कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से, अपनी पॉकेट से तो पैसा नहीं लगाते। सरपंच को कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर वो कहाँ से इतनी डेवलपमेंट करते हैं। इनको टैक्सेस एंड ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एंड दे गेट ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इन्हें कौन ग्रांट्स देता है, स्टेट गवर्नमेंट। इधर स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपना एम्प्लॉई छोड़ा हुआ है, इधर भी स्टेट ने अपना एम्प्लॉई छोड़ा हुआ है ताकि इनके काम पे नजर रखी जा सके, ठीक है। इधर उन्होंने छोड़ा हुआ है सेक्रेटरी, इधर है डिप्टी कमिश्नर, इधर कौन है रूरल सेल्फ में सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉई ऑफ, किसका एम्प्लॉई होता है सेक्रेटरी, स्टेट गवर्नमेंट का। कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड डिप्टी कमिश्नर इज एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए, एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। सेक्रेटरी कौन उसको पे करता है, सेक्रेटरी को, स्टेट गवर्नमेंट। कौन पे करता है डिप्टी कमिश्नर को, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे करती है डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर इज एन एम्प्लॉई ऑफ, कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। सो दिस इज अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, किसकी पार्टिसिपेशन, किनको ज्यादा बेनिफिट्स हुए, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है इससे, और ज्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन की है। वुमेन इसी बात को लेके, वुमेन आर डिमांडिंग दैट देयर सीट्स, दैट देयर पार्टिसिपेशन इन सेंटर एंड स्टेट शुड बी इंक्रीज्ड एज गवर्नमेंट हैज डन इन लोकल गवर्नमेंट। वुमेन आर सेइंग के देयर पार्टिसिपेशन इन सेंटर एंड स्टेट शुड बी इंक्रीज, बट दिस बिल इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट। कितने सालों से ये बिल पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट के पास, वो इस बिल को पास नहीं कर रहे। फिर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं पैट्रियार्चल सोसाइटी है हमारी, वी आर लिविंग इन अ पैट्रियार्चल सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वुमेन को पावर में नहीं लाया जाता, ठीक है। इधर वुमेन को, इधर तो कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि दे विल डू इट 50%, कि आने वाले टाइम में वो इसको 50% भी कर देंगे वुमेन की पार्टिसिपेशन, बट इधर वो इंक्रीज नहीं कर रहे। तो एक तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम सभा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये सारे लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। इनके फंक्शंस तो वो पूछेंगे नहीं, कौन सा सब्जेक्टिव आना है आपको, इनके बस सिर्फ आपको लेवल पूछना, उन्होंने कौन सा लेवल कहाँ पे वर्क करता है। ब्लॉक समिति वर्क्स इन अर्बन सेल्फ एरिया और रूरल सेल्फ, ऐसे वाले क्वेश्चन। फिर मेयर इज द हेड ऑफ ब्लॉक समिति, जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टेन्योर इज 5 ईयर ग्राम सभा और ब्लॉक समिति। तो इस वे से आपको इसको लर्न करना है। तो इधर सेक्रेटरी, उधर डिप्टी कमिश्नर। नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट सिस्टम इन इंडिया, वी आर फॉलोइंग लिस्ट सिस्टम। इंडिया में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, लिस्ट सिस्टम। सबसे पहले तो आपका आ जाता है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी पावर्स। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी पावर्स। पहले तो आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, 97 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। एंड इन स्टेट लिस्ट 66। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स बुक में दिए हुए हैं आपको सारे के सारे नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट जैसे देख के पूछ लेना है, करंसी कम्स अंडर विच लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट।
Union list. Defense comes under which list? Union list, state list, concurrent list. Police comes under which list? State list, state list. तो इस वे से आपके क्वेश्चन बन जाने हैं. Adoption comes under which list? State, concurrent. तो आपके इस वे से क्वेश्चन बन जाने. जितने सब्जेक्ट मैं नहीं कह रही एक्स्ट्रा लर्न करो, वो मैं नहीं, जितने आपकी बुक में दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे आपको नॉलेज होनी चाहिए. जिसने भी पेपर बनाना है बुक में से बनाना है, बाहर से कुछ नहीं बनाना. तो आपको बुक वाले सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए किसमें आपका. तो फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट. देयर आर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 97 सब्जेक्ट्स. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट मेक्स लॉ. कौन बनाता है उस पर लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में आप बताओगे देयर आर 66 सब्जेक्ट्स. कौन लॉ बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट. बट अगर बाई चांस किसी स्टेट में नेशनल उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, बाई चांस किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी हो, पता है ना स्टेट इमरजेंसी कई बार डिक्लेयर हो जाती है, तेलंगाना में जैसे लगी थी, तो स्टेट इमरजेंसी पंजाब में भी लगी थी बट आप तब नहीं थे, आपका तब बर्थ भी नहीं हुआ था. तो स्टेट इमरजेंसी जब लगती है स्टेट में, तो उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है. स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? यस, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है. स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाती है? डिसॉल्व. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ही फंक्शनिंग में नहीं है तो क्या लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी फिर? नो. इफ देयर इज स्टेट इमरजेंसी देन हु विल मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट. तब कौन लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट पे? वैसे तो स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है? 66 सब्जेक्ट्स आर देयर, हु विल मेक लॉ? स्टेट गवर्नमेंट. बट इफ देयर इज स्टेट इमरजेंसी इन एनी स्टेट, 28 स्टेट्स इंडिया में, किसी भी स्टेट में कल को वायलेंस हो जाए तो स्टेट में क्या डिक्लेयर हो जाएगी? स्टेट इमरजेंसी. और उस टाइम पीरियड में उस स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, पावर में नहीं रहेगी. तो उस पीरियड में फिर कौन किसके हाथ में चली जाएगी वो स्टेट? उस पर किसका रूल? प्रेजेंट रूल आएगा. और उस टाइम पीरियड में फिर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर ऐसे पूछा हुआ है स्टेट इमरजेंसी टाइम हु विल मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट मत लिख देना. अगर कुछ नहीं लिखा तो स्टेट ऑन स्टेट लिस्ट कौन लॉ बनाता है? तो तब आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही है. अगर आपको इमरजेंसी वाला दे के पूछा तो आपने कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट. देन कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 47. बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज. दोनों ही मिलके लॉ बनाते हैं. बट वाइल मेकिंग लॉ इफ क्लैशेज अकर, क्योंकि दो जने लॉ बना रहे हैं, क्लैशेज अकर, लॉ मेड बाय सेंट्रल प्रिवेल. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर सेंटर को पावर में रखा हुआ है. पहले तो सेंटर की पावर्स ही 97 सब्जेक्ट्स थी वहां से, स्टेट के 66 सब्जेक्ट्स, एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट? हु मेक लॉ? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट. बोथ सेंट्रल एंड स्टेट. इफ क्लैशेज अकर व्हाइल मेकिंग लॉ इन कॉन्करेंट लिस्ट, लॉज मेड बाय स्टेट, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट प्रिवेल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स. तो इस वे से इसको लर्न करना, ठीक है. नेक्स्ट इज रेजिडरी पावर्स. सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट सिस्टम, दे आर एडेड इन रेजिडरी पावर्स. हु एंजॉयज रेजिडरी पावर्स? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट. सेंटर की जगह पार्लियामेंट लिखा हुआ तब भी आपने पार्लियामेंट को टिक करना है, ठीक है. कई बार सेंटर नहीं लिखते, पार्लियामेंट लिख देते हैं तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ सेंटर. सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट एक ही बात है, आपने पार्लियामेंट को टिक कर देना. तो हु मेक्स लॉ ऑन द रेजिडरी, हु एंजॉयज रेजिडरी पावर्स? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय करती है रेजिडरी पावर्स. कौन सी ऐसी लेवल है इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज मोर, सेंट्रल, स्टेट और लोकल? दैट इंक्रीजेज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, स्पेशली वुमेन, लोकल गवर्नमेंट. तो इस वे से आपके क्वेश्चन बन जाने हैं लिस्ट सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन की फुल फॉर्म, मीनिंग उसका, एंड देन यूनिटरी एंड फेडरल में डिफ्रेंशिएट के कोई भी लाइन क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर की कंट्रीज, जैसे मैंने लिखी हुई यहाँ कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर. कौन सा ऐसा रूट है जिसमें
हम कहेंगे कि सेंटर इज मोर पावरफुल. इन विच रूट ऑफ फेडरेशन सेंटर इज मोर पावरफुल. इन विच रूट ऑफ फेडरेशन स्टेट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट कमिंग टूगेदर. इन विच रूट्स ऑफ फेडरेशन सिटीजन्स एंजॉय सिंगल सिटीजनशिप होल्डिंग टूगेदर. इन विच रूट ऑफ फेडरेशन सिटीजन्स एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप कमिंग. वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है. पर्सन इज द सिटीजन ऑफ कंट्री एंड ऑफ द स्टेट ऑल्सो. हम ये तो नहीं कहते पंजाब स्टेट के सिटीजन है हम, वी आर पंजाबी. हम ऐसे तो नहीं अपनी आइडेंटिटी देते. हमारी आइडेंटिटी सिर्फ इंडियन है, ठीक है, बिकॉज हमें सिर्फ एक ही, हमारी सिटीजनशिप हमें सिंगल मिली हुई है, ड्यूअल नहीं मिली हुई. वी आर एज इन यूएसए देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप. वो कंट्री के भी सिटीजन है, स्टेट के भी सिटीजन है, तो दे एंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप. वी आर एज इन इंडिया वी आर हैविंग ओनली सिंगल सिटीजनशिप. तो इंडिया के कुछ फीचर्स फेडरल एंड उसके यूनिटरी के साथ मैच होते हैं. इंडिया को हम वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो क्वासी फेडरल क्वासी यूनिटरी है, थोड़ी सी फेडरल थोड़ी सी यूनिटरी है. इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स यूनिटरी के हैं, बट हम यहाँ पे इंडिया को फेडरल ही मान के चलेंगे क्योंकि उन्होंने टू रूट्स दे दिए. तो उसमें से हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, होल्डिंग टूगेदर, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, लिस्ट सिस्टम में आपको सारे सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए. एंड डिसेंट्रलाइजेशन में आपको एक एक ये सारे अर्बन सेल्फ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर नॉलेज, लेवल्स, इनके हेड्स, टेन्योर, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी. आप कहोगे किसमें सीट्स रिजर्व एससी एंड एसटी की, सब में ही है वो तो. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. आपने कल किया था गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर्स विद द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, तो चाहे कोई भी यहाँ पे लेवल हम लेते हैं, सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. जब हम कहते हैं कि कोई भी अगर स्टेट इलेक्शन है तो स्टेट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट, दैट इज नोन एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. That is known as assembly constituency. अगर local government की elections है तो wards में उसे बांटा जाता है. Cities divided into wards. Wards में बांटते हैं. तो हर वार्ड से एक representative वो elect करते हैं. तो इस वे से elections करवाते हैं. Elections are held after every 5 years. Sources of income, taxes and grants given by state government. Then you should wards. State तो assembly. State is divided into smaller parts known as assembly constituencies. अगर आप कहोगे local government के elections हैं तो cities divided into wards. Wards में बांट देते हैं. Tenure कितना होता है इन सबका, 5 year. तो who is an employee of state government in urban self government? Who is an employee of state government? Deputy commissioner. Who is an employee of state government in rural self government? Who elects the members of the village panchayat, Gram Sabha? Who are the members of Gram Sabha? People who are at the age of 21 or who are at the age of 18? 18. Universal adult franchise means right to vote to all. All the adults who are at the age of 18 or above. India ne se kab adopt kiya? 1950 mein. Kab adopt kiya India ne universal adult franchise? 1950, क्योंकि आप नाइन्थ में कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो, फ्रांस ने अडॉप्ट किया था सफरेज, यूनिवर्सल नहीं था वो, क्योंकि वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला था फ्रांस में. पता है ना, वुमेन ऑफ फ्रांस स्ट्रगल्ड फॉर अबाउट 200 इयर्स, वेयर एज इंडिया, इंडिया ने तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया, इक्वल राइट्स उन्होंने सबको दिए, नो डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने कोई मेल फीमेल में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. इक्वल वोटिंग राइट्स गिवन टू ऑल. तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसे हम कहते हैं कि टू डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इंडिया. इंडिया ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड.